मैं पहनूंगी वाला। मैं बात ट्रेन जर्नी करने वाली हूँ, मैं कैसे वीडियो बनाऊँ। मेरी काशी मेरा स्वामी। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम जा रहे हैं सरोजनी नगर, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। और आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा व्लॉग करने का, सो ये मैं फर्स्ट टाइम व्लॉग करने जा रही हूँ आज। पता नहीं, मुझे तो डर लगता है ऐसे बाहर व्लॉगिंग करने में, बट मुझे अजीब सा लगता है। लेट्स सी, अगर मैंने कर लिया व्लॉग तो मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, एंड नहीं हो पाया तो। एंड सरोजनी नगर मार्केट मेरी फेवरेट मार्केट है, वहाँ पर बहुत ही अच्छे प्राइस में क्लोथ्स मिलते हैं, और लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मार्केट है, आप लोगों को पता ही होगा। सो लेट्स गो। तो आज हम थोड़ा लेट निकले हैं, अभी 3 बज रहे हैं, एंड मेरे साथ हैं मम्मी एंड पापा, और अभी हम लोग मौसी और मेरी कज़न को भी पिक करेंगे, वो लोग भी हमारे साथ जाएंगे। मैं पहनूंगी वाला, ये दे दो। हेलो, सो मैं ये वाली वीडियो काफ़ी दिन बाद कंटिन्यू कर रही हूँ, और आपने इससे पहले वीडियो देख लिया होगा कि मैंने मार्केट का कैसा वीडियो बनाया था। आई नो सब गड़बड़ सा बना दिया मैंने उसमें। एक्चुअली हुआ क्या था ना, मैं बार बार भूली जा रही थी कि मुझे वीडियो भी बनाना है, और जब याद आ रहा था तो मुझे बड़ी शर्म आ रही थी वीडियो रिकॉर्ड करने में। मतलब मैं एक सेकंड के लिए कैमरा ऑन कर रही थी, फिर बंद कर ले रही थी, क्योंकि कुछ लोग देखने लग जा रहे थे तो मुझे ऑकवर्ड सा फील हो रहा था। तो जितनी भी जैसी भी वीडियो बनी थी मैंने इसी वीडियो में ऐड कर लिया। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था व्लॉग करने का तो इतना सही नहीं हुआ, आई नो। एक्चुअली होता क्या है ना, मैं जब भी किसी क्रिएटर के या फिर अपने फेवरेट क्रिएटर्स के जब व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ ना, तो मैं उनसे ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाती हूँ, क्योंकि इसमें साथ में ना ऑडियंस से भी बात करते हैं, तो एक फैमिली मेंबर फील होता है। एंड आई रियलाइज कि व्लॉगिंग भी इजी नहीं होती है, काफी मुश्किल होता है ये भी, इसमें भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। सो आई रिस्पेक्ट दोस जो लोग भी ऐसे व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने भी सोचा था कि साथ साथ में मैं इस चैनल पर व्लॉग्स वगैरह डालती रहूंगी, ताकि मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूं और आप लोग भी मुझसे कनेक्टेड फील करो लाइक माई फैमिली मेंबर। आज ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हम लोग कल बनारस जा रहे हैं। एक्चुअली बहुत टाइम बाद हम लोग, हमारी फैमिली, हम
हम लोग कहीं दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, मेरे पापा को वहाँ पे कुछ काम था 1-2 घंटे का, तो हम लोग भी ऐसे जा रहे हैं साथ में और थोड़ा सा हम घूमेंगे वहाँ पे, एक्सप्लोर करेंगे। कल हमारी शाम की ट्रेन की टिकट है और मैं बहुत टाइम बाद ट्रेन जर्नी करने वाली हूँ और मुझे ना बड़ा मजा आता है ट्रेन में, बट भीड़ ना हो तो, वरना तो दिमाग खराब हो जाता। हम वहाँ पर बस 1-1.5 दिन के लिए जा रहे हैं, तो मैं ये जर्नी पूरा ब्लॉग करने वाली हूँ। आई होप कि इस बार मैं थोड़ी ढंग से वीडियो बना लूँ। आज का दिन ना काफी हेक्टिक था, मतलब मुझे कुछ सामान लेने भी जाना था और फिर मैंने वीडियो शूट किया, वीडियो एडिट अभी करना है, अभी मैं जस्ट वीडियो शूट करके आई हूँ, और फिर मैंने और 2-3 वीडियो एडिट किया था, वोकल्स एडिट करके भेजा था मैंने, तो बहुत ज्यादा आज काम था। तो मैंने सोचा कि इस बीच थोड़ी बातें भी कर लेते हैं, एंड मैं बहुत ज्यादा बातें कर चुकी हूँ, आई होप कि कोई वीडियो छोड़ के ना गया हो बोर होके। अभी तो हमने पैकिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं किया है, एक्चुअली कुछ प्लानिंग भी नहीं हुई है, मतलब बस अचानक से प्लान बन गया। वैसे तो हम ज्यादा जगह नहीं जा पाएंगे, बट जहाँ भी जाएंगे मैं आप लोगों को भी लेके चलूंगी, व्लॉग करूंगी साथ में। अभी तो हमने पैकिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं करी है, वो सब तो कल हो जाएगा क्योंकि 1 दिन के लिए तो जाना है। तो ये वाली वीडियो मैं कल कंटिन्यू करूंगी, अभी तो मुझे खाना भी है, वीडियो भी एडिट करना है, वीडियो अपलोड भी करना है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा ये वीडियो, मैं काफी दिन बाद अपलोड कर रही हूँ, तो कल सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी ना थोड़ी बहुत पैकिंग वगैरह चल रही है, तो जल्दी से ना मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मैंने मार्केट से वहाँ से क्या क्या लिया था और कितने में लिया था। सो फर्स्टली आई बॉट दिस वन, दिस वाज फॉर ₹250, दिस इज अ शरारा और स्कर्ट वाला प्लाजो, दिस वाज फॉर ₹200 एंड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये टॉप वाज आल्सो फॉर ₹250, ये भी बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहा था, एंड ये मैं वहाँ पर लेकर जा रही हूँ, ये काफी अच्छा लगेगा वहाँ पे पहनने के लिए। एंड दिस ड्रेस वॉज फॉर ₹200 ओनली, एंड ये फोन में थोड़ा अलग सा कलर दिख रहा है, ब्राउन टाइप का, बट ये रस्टी पिंक काइंड ऑफ, डस्की पिंक काइंड ऑफ कलर है। सो आई एम टेकिंग दिस ऑल्सो, एंड कैमरे की बैटरी मैंने फुल चार्ज कर ली है। आई एम टेकिंग माई कैमरा, लेंस एंड ट्राइपॉड। ओके सो आई एम बैक टू द कैमरा। मम्मी ने लिट्टी बनाई है रास्ते में खाने के लिए, बहुत टेस्टी है। एंड ये सारी चीज़ें मेकअप की ये भी रख लेते हैं क्योंकि फोटोज़ वगैरह लेने हैं, एंड लिपस्टिक में सारे ले ले रही हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा और लेट हो रहा है। वो भी तो पैकिंग वगैरह हो चुकी है, हम तैयार हो चुके हैं, अभी हम निकलेंगे, सो लेट्स गो। So we have reached New Delhi Metro Barba Metro Station aa ja raha hai, main kaise video banau. We have reached New Delhi Railway Station. Look at the rush. मुझे ना याद आ रहा है, हम लोग बचपन में इतने एक्साइटेड होते थे ना ट्रेन में जाने के लिए कि हम इतने सारे चिप्स कुरकुरे वगैरह भर के रख लेते हैं, और इस टाइप के जो बुक शॉप्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ से हम लोग ऐसे चुटकुले वाले जो बुक्स होते हैं वो सब लेके ट्रेन में पढ़ते थे, बड़ा मज़ा आता था। एक्चुअली ये चश्मा ना मैंने पापा को फादर्स डे पे दिया था और मम्मी लोग लगा के घूमरे को फायदा नहीं। स्टाइल मारते हुए वीडियो मारो, स्टाइल, अरे चश्मे का स्टाइल, वाह क्या। आवर ट्रेन इज हियर, ये तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। नहीं ये तो उसका है ना, ये थोड़ी ना होगा। हमारी सीट ना ऐसी अजीब सी भी है, मतलब दो लोग इस साइड में बैठने के लिए, मतलब एंड दो लोग उस साइड है, इधर उस साइड पीछे। दो ही टिकट हमारी कंफर्म हुई थी इसीलिए सिर्फ दो ही सीट है। क्या सीट मस्त है,
गाइस अब तक सुबह मिलते हैं, अभी 11 बज चुके हैं तो थोड़ा मैं सो जाती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। Having this Britannia cake, my favorite. बस हम थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं, और सो गाइस अगर आपको कोई आवाज़ से भी कम आ रही हो तो उसके लिए सॉरी। ये ब्लूटूथ की माइक से आवाज़ जा रही होगी जो भी, क्योंकि मैंने माइक से कनेक्ट नहीं किया है, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसे निकालने में क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। फाइनली वी रीच एट द स्टेशन। बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चली है ये ट्रेन, मतलब अभी 2 बज गए हैं, काफ़ी लेट करा दिया, और हमें चलना था आई थिंक 8 बजे, तो काफ़ी ज़्यादा लेट। फाइनली वी रीच्ड वाराणसी भोले बाबा की नगरी एंड आई एम हैप्पी। जय भोलेनाथ। मेरी काशी मेरा स्वामी। धूप काफी हो रही है अभी। सो वी आर चेकिंग द होटल रूम राइट नाउ। हम फ्रेश एंड अप, थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। अभी 4:30 बज गए हैं और हम अभी जाएंगे 80 घाट, वहाँ पर शाम को बहुत सुंदर सी आरती भी होती है तो वो भी देखेंगे।